जी स्टूडेंट्स अच्छा हमने ना वो प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और ये मैंने आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है बैक कलर कैप्शन कंट्रोल बॉक्स एनेबल्ड फ़ॉन्ट फॉर कलर हाइट ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ मसला ये देखें ये भी फॉर्म पे ही अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं आ, वो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी आ, तो मैंने उसको री किया है तो इसमें ये है कि ये चार मजीद प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारा टॉपिक अभी वो इसका ना एग्ज़ाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट तो उसमें आपने मुख्त ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ख़ुद डिस्कस करना है या शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में आ, इसका पूछा जा सकता है कि जी नेम प्रॉपर्टी के बारे में क्या है स्केल uh, मॉड क्या है विजिबल प्रॉपर्टी क्या है कैप्शन प्रॉपर्टी क्या है ठीक है ना वो किसी पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है लिहाजा आपने इसको इस टॉपिक को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको प्रिपेयर करना है तो नेक्स्ट जो है वो हमने नेक्स्ट uh, जो है वो प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी है नेम प्रॉपर्टी के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखिए इसमें के जो ये फॉर्म की अब इस वक्त फॉर्म सिलेक्टेड है ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसी फॉर्म की नज़र आ रही हैं तो इसमें नेम प्रॉपर्टी है नेम प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉर्म वन है यानी कैप्शन और नेम में मैंने आपको फ़र्क बताया था कि के कैप्शन जो है वो ये उसका टाइटल होता है और नेम जो है वो किसी भी कंट्रोल का कोड विंडो के अंदर उसका नाम है यानी अगर हम कोड विंडो के अंदर इसका आइडेंटिफिकेशन इसको इस की इसको यूज़ यानी कोड विंडो के अंदर हम इसको अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो उसका नाम क्या है फॉर्म वन तो नेम जो है ये बेसिकली किसी भी कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन नेम होता है और ये हम यूज़ करते हैं इन कोड विंडो ठीक है ना मसा मतलब ये उसमें यहाँ पे आप स्लाइड पे आते हैं देखते हैं यानी नेम जो है ये कोड uh, विंडो के अंदर उस फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन नेम होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसका नाम फॉर्म वन होता है लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इसकी स्केल मॉड है स्केल मॉड जो है ये uh, इसकी प्रॉपर्टी है मैंने आपको ये बताया था कि आम तौर ये जो फॉर्म की हाइट वर्थ है ये इसमें देखिए ये एक स्केल मॉड प्रॉपर्टी है इसकी ये स्केल मॉड है ठीक है ना ये स्केल मॉड है इस वक्त वन ट्रिप सेट किया हुआ है स्केल मॉड बेसिकली क्या है कि आ, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यानी इस कंट्रोल का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है यानी इस वक्त फॉर्म की जो हाइट है या उसकी वर्थ है वो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है जो है वो विजुअल बेसिक के अंदर वो क्या है ट्विप्स है ट्विप लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यानी इसको हम हाइट को अगर कर मेजर करना है इस फॉर्म की या हमने जो है ना वो वर्थ को मेजर करना है तो वो इस वक्त चूँकि इसकी ट्विप सेट है तो वो ट्विप में देगा लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कोई फिक्स नहीं है आप इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं इसको मीटर में भी कर सकते हैं इसको इंचेस में भी कर सकते हैं तो उसके लिए हम इसकी यूनिट ऑफ मई को चेंज कर सकते हैं मसलन जिस तरह से ये देखें मैं इसको यहाँ पे पॉइंट इसमें पॉइंट भी है पिग्जल भी है करेक्टर भी है इंचज़ भी है मिली भी है सेंटीमीटर भी है ठीक है ना मस मैं अगर इसको अगर सेंटीमीटर कर देता हूँ यहाँ से तो अब जो भी उसकी हाइट वगैरह शो होगी या जो भी वर्थ वग़ैरह शो होगी वो किस में होगी सेंटीमीटर में यानी अब इसके लिए जो पमाइश का जो यूनिट है जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर होगा यानी स्केल मॉड जो है बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो विजुअल बेसिक में हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और इसको आप यहाँ से इस लिस्ट से चेंज कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्विप्स में होता है यानी हाइट भी ट्विप्स में होती है इसकी भी ट्विप्स में होती है लेकिन आप इसके लिए जो भी यूनिट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिर जो भी हाइट और वेड़ वगैरह जो मैयर करेगा वो उसी फॉर्म के अंदर मैयर करेगा तो इसको हम स्केल मॉड कहते हैं ठीक है, है? यानी ये फॉर्म की बेस क्योंकि हम इस वक्त फॉर्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर्म की जो यूनिट ऑफ मैयरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आम तौर पर कि वो क्या है उसको हम स्केल मॉड कहते हैं यानी स्केल मॉड प्रॉपर्टी ये बता रही है कि इस वक्त फॉर्म की मैयरमेंट का जो यूनिट है वो क्या है ठीक है और बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्विप्स होता है लेकिन हम इसको और भी यूनिट्स में तक कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्सल्स में पॉइंट्स में इंचेस में सेंटीमीटर्स वगैरह में इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शो इन टास्क बार ये इकट्ठा है यानी इसमें कुछ स्पेस नहीं है शो इन टास्क बार जो है ये भी बुलियन प्रॉपर्टी है यानी इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है आम तौर पे ये नीचे जो आप देख नीचे जो इसमें टास्क बार होती है नीचे जो जो स्क्रीन के नीचे जो बॉटम पे जो बार होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो उस पर जो है वो नज़र आता है ठीक है ना आप जिस एप्लीकेशन को भी रन कर रहे हैं वो उसको जो है वो उसमें शो हो रहा होता है जिस तरह से ये देखें आप ये आपको मैं दिखाता हूँ इस वक्त चूंकि मैंने विजुअल बेसिक ओपन की हुई है तो ये देखें आपको नजर आ रही होगी कि विजुअल बेसिक जो है ना वो इस वक्त टास्क बार भाई ये नीचे टास्क बार है तो इस वक्त विजुअल बेसिक जो है ना वो चूँकि रन हो रही है तो ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है यानी जो भी प्रोग्राम जो है बेसिकली रन हो रहा है वो उसको उसका नाम जो है वो उसका आईकॉन जो है वो नीचे टास्क बार पे आता है आपको पता चलता है कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है अब ये है कि शो इन टास्क बार में क्या है कि इसकी बुलियन प्रॉपर्टी है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप कह लें कि वो होती है ट्रू बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी ट्रू uh, प्रॉपर्टी uh, होती है मसन uh, इसमें uh, देखें इसको नज़र सेट कर लूँ ये जो है इसकी यहाँ पे आप अगर देखें तो इसकी जो यहाँ से जो ये शो एंड टास्क बार है यहाँ पे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रॉपर्टी ट्रू है इसका मतलब ये है कि जो रनिंग टाइम में शो एंड टास्क बार का मतलब है कि इसको जो है ना वो रनिंग टाइम में यानी इसको जब आप इसकी ट्रू प्रॉपर्टी करते हैं तो जो फॉर्म आप ओपन करते हैं रनिंग टाइम में वो नीचे जो है वो शो हो रहा होता है मसल जिस तरह से मैं आपको पहले डेफिनेशन इसको बता देता हूँ कि ये बुलियन प्रॉपर्टी है अगर इसकी वैल्यू हम ट्रू करते हैं तो वो वो उस फॉर्म को टास्क बार पे शो करेगा अगर फॉल्स होती है तो उसको टास्क बार पे शो नहीं करेगा ठीक है ना यानी ये मैंने आपको बताया कि टास्क बार नीचे बार होती है जो भी प्रोग्राम रन होना होता है या रन हो रहा होता है उसका आइकॉन या उसका नाम जो है वो नीचे टास्क बार पे आ रहा होता है तो इसमें ये है कि आप जब इसकी शो बार पे अगर आप उसकी बुलियन प्रॉपर्टी जो है ये बुलियन प्रॉपर्टी अगर आप उसको ट्रू करते हैं तो इस वक्त तो जो फॉर्म जब आप जो फॉर्म आपके सामने है वो नीचे भी टास्क बार पे आ रहा होता है लेकिन अगर आप उसकी बुलियन ये शो इन टास्क बार की प्रॉपर्टी जो है वो अगर फॉल्स कर देते हैं यहाँ से ये शो इन टास्क बार की यहाँ से आप फॉल्स कर देते हैं तो फिर वो फॉर्म जो है वो नीचे टास्क बार पे शो नहीं होगा उसके बाद जो इसकी लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है विजिबल प्रॉपर्टी विजिबल प्रॉपर्टी भी बुलियन प्रॉपर्टी है लेकिन ये यूज़ यानी ये आपको नज़र आएगा इसका रिज़ल्ट जो है वो रनिंग टाइम है यानी बुलियन प्रॉपर्टी मसलन ये देखें इसकी विजिबल प्रॉपर्टी जो है ये है ये ट्रू है या फॉल्स है यानी बुलियन प्रॉपर्टी है इसकी या इसकी विजिबल जो है एक बुलियन प्रॉपर्टी है यानी या वैल्यू उसको हम ट्रू सेट कर सकते हैं या फॉल्स अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रू होती है इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म को रन करेंगे तो फॉर्म आपके सामने नज़र आएगा लेकिन जहाँ पे जब मैं अगर इसकी विजिबल प्रॉपर्टी जो है वो मैं फॉल्स कर देता हूँ यहाँ से ये फॉल्स कर दी है तो अब मैं जब फॉर्म को रन करूंगा तो ये देखिए फॉर्म रन भी है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा ठीक है ना क्योंकि मैंने इसकी विजिबल जो देखने की जो सलाहियत है वो मैंने इसकी फ़ॉल्स कर दी है यानी विजिबल प्रॉपर्टी मैंने इसकी फॉल्स कर दी है उस वक्त तक वो नज़र नहीं आएगा जब तक मैं इसकी विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू नहीं कर देता मैं दोबारा ट्रू करता हूँ तो अब फॉर्म को रन करूँगा तो ये फॉर्म जो है वो आपके सामने रन होगा तो ये जो है ये सारी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर्म की यानी इसको हम फॉर्म प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है मैंने आपको जिस तरह से बताया कि फॉर्म ऑब्जेक्ट व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट तो आपने इसको ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बैक कलर से लेके ये सारी जो विजिबल तक वो सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है या किसी के बारे में वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय स्केल मॉड या वट इज़ विज़िबल प्रॉपर्टी या इसके अलावा वो पूछ सकता है कि वाट इज़ कैप्शन व्हाट इज़ एनेबल्ड व्हाट इज़ फॉर कलर यानी इस तरह से किसी एक के बारे में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है उसके बाद ये जो क्वेश्चन uh, नेक्स्ट है फॉर्म इवेंट्स के बारे में ये फॉर्म इवेंट्स के ये ज़रा थ्रेटिकल टाइप क्वेश्चन है इसमें यानी इसका ये प्रैक्टिकली नहीं है यानी इसको हम uh, इसको आपने थ्रेटिकली ही याद करना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में भी कि फॉर्म के इवेंट्स क्या हैं फॉर्म का इवेंट्स का मतलब ये है कि इवेंट का मतलब ये है तरह क्लिक है वैसे क्लिक है डबल क्लिक है ठीक है ना ये इवेंट्स हैं तो वैसे तो ये क्लिक डबल क्लिक ये मोस्ट कॉमन इवेंट्स हैं जो हम अप्लाई कर, कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल पे लेकिन कुछ और भी इवेंट्स हैं इसके अलावा जो सिर्फ़ फॉर्म पे अप्लाई करते हैं जिस उसको हम कहते हैं फॉर्म इवेंट्स यानी क्लिक और डबल क्लिक तो इवेंट्स हैं ही हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉर्म पे ही अप्लाई कर सकते हैं वो किसी और पे नहीं तो ऐसे इवेंट्स जो क्लिक और डबल क्लिक के अलावा फॉर्म पे अप्लाई होते हैं उनको हम फॉर्म इवेंट्स कहते हैं उनमें से कौन कौन से हैं एक लोड है एक एक्टिवेट एक है एक डीएक्टिवेट है ड्रैग ड्रॉप है ड्रैग ओवर ये सारे जो है ना ये फॉर्म के इवेंट्स हैं यानी वो ये वो तमाम इवेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे ही अप्लाई हो सकते हैं किसी और कंट्रोल पे नहीं इसमें सबसे पहले जो है ना वो लोड इवेंट है अब लोड इवेंट जो है वो आ, क्या होता है कि वैसे तो कुछ और भी एक्स्ट्रा हैं लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे वो हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो हम उसी को ही कंसिडर कर रहे हैं इसमें फॉर्म इवेंट्स में जो है ना वो लोड इवेंट है लोड का मतलब ये होता है कि जब फॉर्म आपके सामने आता है लोड होता है तो वो उस वक्त वो क्या करें ठीक है ना उस इवेंट को हम लोड इवेंट कहते हैं मसलन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक कोड लिखते हैं कि जब फॉर्म लोड हो यानी फॉर्म जब आपके सामने आए यानी ये मैं लोड इवेंट पे ये एक सेट कर रहा हूँ कोडिंग कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम ठीक है ना यानी जब फॉर्म लोड हो के सामने आए तो ये काम हो गया हो ये काम हो गया हो यानी टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर वेलकम प्रिंट हो गया हो यानी इसकी आ, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ इसकी बस ये आपने फॉर्म है और अब देखें इस फॉर्म पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया अब ये इस वक्त चूँकि टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है तो लिहाजा इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्स की शो हो रही हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि तो मैंने खुद अपनी तरफ से लिखना है अब मैं कहता हूँ फॉर्म पे मैं इसके डबल क्लिक मैं करता हूँ तो फॉर्म के लोड इवेंट पे लोड इवेंट पे मैं सेट करता हूँ कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट ये मैं ये रनिंग टाइम प्रॉपर्टी है टेक्स टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वेलकम यानी इसका क्या मतलब है कि ये लोड इवेंट है इस वक्त मैं लोड को एज ए इवेंट यूज कर रहा हूँ कि जब फॉर्म लोड हो के सामने आए यानी हमारे सामने डिस्प्ले हो तो टेक्स्ट वन के जो टेक्स है, उसके अंदर वेलकम प्रिंट हो गया हो अब ये देखें यहाँ पे जब मैं इसको मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी सेंटर में कर रहा हूँ जब मैं इसको फॉर्म को रन करके सामने आए तो ये देखें पहले से ही वेलकम प्रिंट हो गया हुआ है लिखा गया है। क्योंकि मैंने इसके लोड इवेंट को यूज़ किया है यानी जब फॉर्म लोड हो के सामने आए तो फिर क्या करे कि वो टेक्स्ट बॉक्स में वेलकम प्रिंट हो गया हो ये इसका लोड इवेंट है ठीक है ना आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये वैसे तो क्लिक जिस तरह क्लिक इवेंट है जिस तरह से डबल क्लिक इवेंट है इस तरह से लोड इवेंट है तो ये लोड इवेंट फॉर्म पे ही अप्लाई होता है कि जब फॉर्म लोड हो के हमारे सामने हो तो ये एक्शन परफॉर्म हो चुका हो जो हम इसके अंदर लिखते हैं इसी तरह एक्टिवेट इवेंट है और एक डीएक्टिवेट इवेंट है ये उस सूरत में अप्लाई होता है जब हमारे पास एक एप्लीकेशन के अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो मसलन एक फॉर्म वन है और दूसरा हमने फॉर्म टू ऐड किया हुआ है तो हम कहते हैं जी जब फॉर्म वन पे कंट्रोल आए यानी कर्सर यानी जब एक्टिवेट हो जब फॉर्म वन एक्टिव हो तो फिर वो क्या एक्शन परफॉर्म करे कोई मैसेज प्रिंट कर दे या कोई और जो है ना वो उसका कलर चेंज हो जाए तो इसका एक्टिवेट इवेंट उस वक्त यूज़ होगा यानी ये इवेंट उस वक्त यूज़ होता है जब फॉर्म बिकम्स द एक्टिव विंडो यानी जब फॉर्म जो है वो एक्टिव होती है यानी एक्टिव होता है तो उस वक्त आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए एक्टिव जो है ना वो इवेंट जो है वो आप यूज़ करेंगे और आप कहते हैं कि जब फॉर्म डीएक्टिवेट हो यानी फॉर्म वन से फॉर्म टू पे जाएगा यानी कंट्रोल जो है जब शिफ्ट करेगा तो फॉर्म वन जो है वो डी एक्टिवेट होगा और फॉर्म टू जो है वो एक्टिवेट होगा देखें मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जो है ये उस सूरत में काम करते हैं जब दो एक से ज़्यादा फॉर्म्स हों कि एक फॉर्म को आप एक्टिव कर रहे हैं और दूसरे को डीएक्टिव कर रहे हैं जिस पे कंट्रोल जा रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्टिवेट है एक्टिव एक्टिवेट है और जिस पे दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और पहले वाला जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा तो इसलिए आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट इवेंट्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि ये जब फॉर्म वन एक फॉर्म वन है और एक फॉर्म टू है तो जब फॉर्म वन जो है वो डीएक्टिवेट हो तो ये मैसेज प्रिंट करे ठीक है और फॉर्म टू जब एक्टिवेट हो तो ये मैसेज प्रिंट हो तो इस तरह से ये इवेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट ये उस वक्त परफॉर्म होता है कर होता है जब एक फॉर्म जो है वो एक्टिव होता है और ये इवेंट उस वक़्त परफॉर्म होता है जब उसमें अब वो एक्टिव नहीं रहा बल्कि अब वो वही फॉर्म जो है वो अब डीएक्टिव हो गया क्योंकि दूसरा फॉर्म जो है वो अनदर फॉर्म जो है वो एक्टिव हो गया वो उसके बाद जो इवेंट है वो ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप और ड्रैग ओवर का आपस में लिंक है ड्रैग, ड्रॉप का मतलब क्या है ड्रैगिंग क्या होती है मसलन जब ये मैं मसलन एक आइकॉन आपने कोई पिक्चर लगाई है आपने फॉर्म के ऊपर और आप उस पिक्चर को जो है न, जिस ना जिस तरह से मैं आपको एक ड्रैगिंग होती क्या है मसलन ये इसका ये फॉर्म है ये देखें जब मैंने इसको क्लिक करके जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ ये यहाँ पे मूव हो गया ठीक है ना अब यहाँ पे मैं इसको मूव करके लेके जा रहा हूँ एयर से तो इस चीज़ को हम ड्रैगिंग कहते हैं ठीक है ना यानी ड्रैगिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर या फॉर्म के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे उसको मूव करने को हम प्रोसेस को हम ड्रैगिंग कहते हैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रैग ओवर में क्या फ़र्क है बस आप कहते हैं कि जी एक मैसेज प्रिंट करें यानी ये देखें ये ये जो ड्रैग ड्रॉप है ये ये इवेंट है जिस ना क्लिक इवेंट है ड्रैग ड्रॉप भी एक इवेंट है आप फॉर्म के ऊपर सेट कर सकते हैं और इसमें आप ये कर सकते हैं ड्रैग ड्रॉप का मतलब ये है कि ये मसा आप इसके क्लिक ड्रैग ड्रॉप इवेंट पे आप uh, उसका जो है ना वो लिखते हैं प्रिंट वेलकम ठीक है ना अब वो प्रिंट वेलकम उस सूरत में होगा जब आप इसको यहाँ से यानी जो भी आप जिसको ड्रैग करना चाह रहे हैं वो यहाँ से ले के आप उसको नई जगह पे ला के छोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं ड्रैग ड्रॉप यानी ड्रैग ड्रॉप क्या होता है कि आप किसी भी पिक्चर को या किसी भी चीज़ को जब यहाँ से ऊपर से मूव करवा के नई जगह पे ला के छोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं ड्रैग ड्रॉप ठीक है ना जब छोड़ देते हैं तो वो मैसेज प्रिंट हो जाए ठीक है ना इसको हम कहते हैं ड्रैग ड्रॉप इवेंट लेकिन ड्रैग ओवर इवेंट क्या है कि आप जैसे ही इसको मूव करेंगे अभी आपने ड्रॉप नहीं किया अभी जस्ट मूव ही किया तो उसको हम कहते हैं ड्रैग ओवर यानी ड्रॉप की अभी ड्रॉप का होने का वेट नहीं होगा बल्कि जैसे ही आपने इसको मूव किया है तो वो आ, ड्रैग ओवर हो जाएगा लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया फिर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो ड्रैग ड्रॉप ठीक है ना यानी ये दोनों में फ़र्क है कि ड्रैग ड्रॉप यानी आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं और वो मैसेज तब प्रिंट होगा जब आप किसी चीज़ को ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर देंगे यानी वो ऑपरेशन जो है वो फॉर्म पे कंप्लीट हो जाएगा ड्रैग कर वो ड्रॉप होने का तब वो एक्शन परफॉर्म होगा तब वो मैसेज प्रिंट होगा लेकिन ड्रैग ओवर में ये है कि ड्यूरिंग ड्रैग ऑपरेशन यानी जैसे ही आप ड्रैगिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसी दौरान ही वो प्रिंट हो जाएगा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा तो इसको हम ड्रैग ओवर इवेंट कहते हैं तो ये मैंने अभी तक डिस्कस किया है कि लोड इवेंट एक्टिवेट डीएक्टिवेट ड्रैग ड्रॉप और ड्रैग ओवर जो है ये अभी तक हमने इसके जो है वो इवेंट्स ये अब रीसाइज और एक अनलोड दो इवेंट्स रह गए हैं रीसाइज़ ये होता है कि आप जैसे ही मसला रीसाइज़ क्या होता है मसला आप ये फॉर्म है ना तो ये इसको आप इसका यहाँ से पकड़ के इसका जो है ना वो रीसाइज़ कर रहे हैं इसका यानी ये इसको आपने ये देखें ये ये रीसाइजिंग यानी रीसाइज तो मैं इस रीसाइज एक इवेंट है ठीक है ना मैं कहता हूँ कि जी जैसे ही मैं फॉर्म को रीसाइज करूँ ये भी आप इवेंट यूज़ कर सकते हैं तो मैसेज जो है वो फॉर्म पे प्रिंट हो जाए तो वो क्या होगा कि जैसे ही आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो साथ ही फॉर्म के ऊपर को मैसेज प्रिंट हो जाएगा ये उसका रीसाइज इवेंट है ठीक है जी और लास्ट पे है अनलोड यानी अनलोड है कि जब ये इवेंट उस वक्त परफॉर्म होता है जब फॉर्म हमारे सामने से यानी जिस तरह लोड हो के सामने आता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब फॉर्म लोड हो तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहले से लिखा आए ठीक है ना इस तरह अनलोड है कि जब फॉर्म हमारे सामने से ग़ायब हो अनलोड हो तो फिर वो क्या एक्शन परफॉर्म करे तो उसके लिए अनलोड इवेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तो ये मख्लिफ जो है ना ये थ्रेटिकली ज़्यादा आते हैं कि ये फॉर्म के इवेंट्स कौन कौन से हैं तो इस हवाले से जो है ना वो आपने इसको इवेंट्स को ये आपने इसको यूज़ करना है कि इस पर वाट आर दी फॉर्म इवेंट्स तो ये सारे इवेंट्स को आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करना तो यहाँ तक इसको आप अच्छी तरह आज का आज हमने फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ और फॉर्म के इवेंट्स जो है वो हमने एक्सप्लेन किए और इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज़ करना है फिर यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे